इसी सरकार में तो सारे युवा महिला सुरक्षित हैं और 100% सुरक्षित हैं। पहले बहुत ज़्यादा वो गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी, अब बहुत हद तक कम हुआ है। जैसे कि उन्हीं के सरकार में उनके घर वालों को नौकरी दे दी जाती थी, वो भी पैसों पे। पहले पैसों पे नौकरी बिकती थी, अभी तो परीक्षाओं पे एकदम सख्त नियम लगा दिए गए हैं। तो उनकी सरकार में नौकरियाँ बिकती थी अखिलेश यादव सरकार? अरे हमारे ही परिवार के लोग हैं जो उस टाइम पे बहुत बिके थे, बहुत पैसे दे के और नौकरी खरीद गए थे। ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हम युवाओं को नौकरी देंगे, वो साथ नहीं, खाली बोलते रहे, वो भोगते रहे और कुछ नहीं, केवल योगी और मोदी और कोई नहीं आ सकता। अखिलेश यादव कह रहे हम आटा देंगे और डाटा देंगे मोबाइल में। डाटा तो हम खुद करवा लेते 239 रुपए का, हम 239 करा लेते, वो तो है ही है। दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि 400 पार, 800 पार, कोई तो 4000 पार करवा दे रहा है। बिहार के नीतीश कुमार जी तो 4000 सीट पार करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव 8 सीटों पर समापन हो चुका है। लगातार देश में चुनाव के लिए सभी दल सक्रिय हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं जनेश्वर पार्क में, उनसे हम बात करेंगे इस बार इनकी लोकसभा से कौन जीत रहा है और कौन देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, आप युवा हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार कौन सरकार में बाजी मार रहा है? जो इस बार तो ऐसा लगता है कि फिर वही मोदी जी आने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? हम तो मतलब हमारे दो जगह घर है, एक तो सीतापुर की तरफ है, एक गोरखपुर की तरफ है। गोरखपुर में बाबा का विकास चल रहा है एकदम एकदम। तो ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, क्या लगता है? देखिए ऐसा तो लगता है सब सरकारें आने से पहले करती हैं ना, और जीतने के बाद बोलती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि जो कहती हैं वो सब करती नहीं हैं। ये जान जी, आपके सीतापुर से सांसद 2 बार से लगातार हैं, तीसरी बार चुनाव हो रहा है, रहते नहीं है अक्सर, हम यहाँ गोरखपुर से रहते हैं। गोरखपुर रवि किशन जी का जलवा चल रहा है? हाँ हाँ, रवि किशन जी का तो जलवा कायम रहेगा, वही है एकदम चल रहे हैं। कैसे विकास कर रहे हैं? एक हदम विकास तो कर ही रहे हैं, नंबर है ना। हाँ हाँ, मतलब आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ले जा रही है? भाजपा तो पिछली हिसाब से तो ठीक ही ले गई थी, इस बार भी देखिए वो अच्छी ले जाना चाहिए। और भी एक युवा, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम वंश है। वंश वंश जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार फिर मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, तो क्या 400 पार है? हाँ, इस बार 400 पार तो पक्का होगा। पक्का होगा? हाँ। यूपी में 80 सीटें हैं, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार भाजपा की? इस बार हमारे हिसाब से 74 सीट आना चाहिए, 74 लगभग, मतलब आंकड़ा अपने आप। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जितने घटक दल हैं एनडी के साथ, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 10 साल कोई विकास ही नहीं किया, देश को लूटने का काम किया, देश के साथ छलने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, युवा दर पर भटक रहा है। ऐसा है नहीं, जो है जैसा कहा जा रहा है वैसा है नहीं, जो करने वाला है वो अभी कर रहा है। और हर सरकार आने से पहले अपना मैनिफेस्टो लाती है और कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी राहुल गांधी जो हैं वो हर एक मुद्दे पे बोले हैं, जितना मतलब जो अपोजिशन में पार्टी होती है वो जितना बोलना चाहे उतना बोलेगी, वो सरकार गिराना है और वोट चाहिए, तो ऐसा तो होगा ही। विपक्ष पार्टी तो वैसे ही करेगी ना, जब दूसरी पार्टी को हराना होता है तो उसकी गलतियाँ देखेंगे, बक्से ढूंढेंगे गिराने के लिए, यही है। जहाँ बैठे जनेश्वर पार्क अखिलेश यादव ने बनाया था, क्या कहेंगे इस बनाने को तो सरकारें आएंगी जाएंगी, बहुत कुछ बनाएंगी, और एक होता है सस्टेनेबल, मतलब निरंतर, तो निरंतरता भी तो कायम रखना चाहिए। अब कोई सरकार आए कुछ अच्छा बनाए और फिर अपनी मनमानी करे, वो सही नहीं रहेगा। क्या लग रहा है सरकार में युवा महिला सुरक्षित हैं कानून में? अरे इसी सरकार में तो सारे युवा महिला सुरक्षित हैं और 100% सुरक्षित हैं। पहले बहुत ज़्यादा वो गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी, अब बहुत हद तक कम हुआ है। कौन से ज़िले से हैं? हम गोरखपुर जिले से हैं। गोरखपुर से आप? रवि किशन बढ़िया चल रहा है? हाँ, वो तो एकदम धुरंधर चल रहे हैं। और जो इंडिया का गठबंधन ने प्रत्याशी सामने उतारा है, उसका क्या होगा? आई एन डी आई ए, उसमें से एक सरकार तो चली गई जेल में ईडी के चक्कर में, एक का बैंक सीज हो गया और 3 सरकारें बची हैं, तो 3 सरकारों में देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हुई थी जो कैंसिल कर दी गई थी, फिर से 6 महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए पेपर दिया जाएगा और उसमें चयनित किए जाएंगे। क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने भर्ती जान के लीक करा दी ताकि युवाओं को नौकरी ना मिले?
देखिए अखिलेश यादव जो हैं वो तो अपोजिशन के पार्टी हैं और वो अपने 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 अपोजिशन जीतने के लिए अपोजिशन करता ही है। जैसे कि उन्हीं के सरकार में उनके घर वालों को नौकरी दे दी जाती थी, वो भी पैसों पे। पहले पैसों पे नौकरी बिकती थी, अभी तो परीक्षाओं पे एकदम सख्त नियम लगा दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा अगर युवा अगर पढ़ रहा है और पढ़ के एग्ज़ाम दे रहा है नौकरी बिना खरीदे तो वो तो उसके लिए अच्छा ही ना है। सरकार में अगर पेपर भी लीक हो रहा है तो किसी कारणवश से हो रहा है, सरकार तो करवा नहीं रही है। तो नौकरी खरीदने के बांटने में और पढ़ के लेने में अंतर होता है। तो यही सरकार अच्छी है उनके मुकाबले जो जब वो नौकरी बेचते थे, जब उनकी सरकार में नौकरियां बिकती थी अखिलेश यादव सरकार। हाँ, अरे हमारे ही परिवार के लोग हैं जो उस टाइम पे बहुत बिके थे, बहुत पैसे दे के और नौकरी खरीदे गए थे। तो खरीद ही लेता था ये साल लगता है। भाई बच्चा जो मेहनत करता था उसको नौकरी नहीं मिल पाती आपके साथ। हाँ, अब जैसे बच्चा जो है पेपर दे रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में, उसको नौकरी मिलने की आशा है। हाँ, आशा है इस बार की जो भी पढ़ेगा, जो बढ़िया से पढ़ लेगा लिख लेगा, ये नहीं है कि पैसा के दम पे वो नौकरी खरीद सकते हैं कि सरकार में, ऐसा कुछ नहीं है। आबादी है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, वो तो आम बात है। अब आबादी है तो वो तो बेरोजगारी बढ़ना आम बात है। अब सरकार तो फंड भी तो दे रही है, लोन दे रही है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने अपने नए नए फील्ड में अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, ऐसा भी नरेंद्र मोदी तो किए ही हैं। तो क्या लगता है जब दोबारा पेपर जब होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो शांतिपूर्ण तरीके से पेपर बिना लीक हुए पेपर हो जाएगा, युवाओं को भविष्य मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अब हर बार थोड़ी ना पेपर लीक होगा, एक बार हो गया हो गया, अगर दोबारा होता है तो दोबारा और किसी जो टेस्ट एजेंसी है नेशनल टेस्ट एजेंसी उसको हटा के किसी और को दे दिया जाए। CBSE कंडक्ट करा है एग्जामिनेशन को। क्या नाम है भाई आप? मेरा भाई विकास नाम है। विकास कहाँ के रहने वाले? लखनऊ राजीपुरम के। लखनऊ से कौन जीत रहा, भाजपा की समाजवादी? समाज भाजपा जीतेगा भाई। रविदास मल्होत्रा लड़ रहे हैं समाजवादी से और राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, तो जीतेगा तो भाई भाजपा ही। भाजपा जीतेगी। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? जरूर बनेंगे। भाई राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, युवा हमारे साथ। कुछ नहीं, केवल योगी और मोदी आएंगे। यस यस। क्या लगा 400 पार है? हाँ, पूरा 100 है ना? पक्का? पक्का। और ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हम युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं को साथ नहीं, खाली बोलते रहे वो, भौंकते रहे और कुछ नहीं, बस भौंकते रहे, मतलब उनका कहीं चल। योगी, केवल योगी और मोदी, और कोई नहीं आ सकता, और कोई नहीं आ। क्या लग रहा है यूपी में 80 सीटें हैं, कितनी जीतेगी भाजपा? पूरी 80 मिलेंगी उनको। पूरी 80 मिलेंगी? क्या लग रहा है? 100 पूरी 80 मिलेंगी। 100% 80 मिलेंगी? 80 मिलेंगी। मतलब क्या समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा क्या? अब वो तो ऊपर वाला, लेकिन बस बराबर है, जीतेगा तो अपना मोदी जी। जीतेगा अपना मोदी। विकास किया है जी? बहुत ज़्यादा विकास किया। आपको परिवार में कोई वो मिली है, मतलब कोई सुविधा उनकी, जैसे इलाज के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया है, पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं? कोई सुविधा नहीं मिली हमको, राशन कोई भी सुविधा नहीं मिली हमको, लेकिन जीतेंगे तो मोदी होगी। सुरक्षित है देश? हाँ है, प्रॉपर ठीक है, सब प्रॉपरली एकदम मस्त है। आपको राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है हमको। तो वोट इस बार मोदी जी को है? मोदी जी को देंगे, और किसको देंगे? अखिलेश यादव कह रहे हम आटा देंगे और डाटा देंगे मोबाइल में। डाटा तो हम खुद करवा लेते 239 रुपये का, हम 239 करा लेते वो तो है ही है। क्या नाम भैया आपका? आसिफ नाम है। आसिफ जी कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हम गोरखपुर रहने वाले हैं, लखनऊ में फिलहाल रहे हैं 5-6 सालों से। रवि किशन सांसद हैं गोरखपुर में। हाँ। और लखनऊ में राजनाथ सिंह हैं। क्या लग रहा है दोनों जीत जाएंगे? अब देखिए दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि 400 पार, 800 पार, कोई तो 4000 पार करवा दे रहा है। बिहार के नीतीश कुमार जी तो 4000 सीट पार करवा रहे हैं। तो जो दावे किए जा रहे हैं वो दावों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माहौल तो इस समय जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है, जो यहाँ पर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की दावा कर रही है, 40 आ जाए तो बड़ी बात है। मतलब क्या लग रहा है, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 80 के 80 इस बार ला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बड़े गर्व से कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 40 आ जाए बहुत है। असल किस बेस पे ला रहे हैं? विकास किया है उन्होंने, विकास किया है उन्होंने, उन्होंने रोजगार देने की बात कही है और राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म कर दिया। अगर बात करें गरीबों को अनाज देने की तो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, और बात करें इलाज को लेकर तो उन्होंने इलाज के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड बनाया, और बात करें विकास की तो 10 साल में आवास देने का भी गरीबों को बात किया, गरीब कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं। क्या कहेंगे?
5 किलो राशन और 5 किलो चावल में भी कालाबाजारी चल रही है। जो 5 लाख ये आयुष्मान कार्ड के जरिए दे रहे हैं उसमें भी कालाबाजारी चल रही है। आदमी की न तबीयत ख़राब न कुछ, पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं इन्हों धरातल पर उतारने की कोशिश उन्होंने की नहीं है। और इसे देखिए, ये स्वास्थ्य संबंधित जो 5 लाख का रोज़गार दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, जब आदमी को रोज़गार ही नहीं देंगे, आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? ये सिर्फ 5 किलो और दाल और चावल बना के आदमी खा लेगा? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये जो दो युवा हैं इनकी जोड़ी 2017 में भी आई थी और फ्लॉप हो गई थी, फिर से ये दो जोड़ी लेके आए हैं, इंडिया गठबंधन नाम दिया है। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा 2017 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में है। 2017 के बाद से कितनी नौकरियाँ मिली हैं? सिर्फ पेपरें लीक तो हुआ है, एक कोई ऐसी नौकरी बताइए जो लोगों को मिल गई हो। लेकिन जो पेपर लीक हुए वो लोग तो संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा था री एग्ज़ाम, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हो रहा है, युवा उसमें खुश हैं, बोल रहे हैं कि हम ठीक है 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी, हम उसमें खुश हैं, हम दोबारा से पेपर देंगे और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। खुश तो बहुत लोग हैं, 69,000 वाले भी खुश हैं, बहुत लोग खुश हैं। 69,000 में से 5400 लोगों को 6800 लोगों को नौकरी के लिए पत्र भी मिल गए थे, लेकिन नौकरी की लगी किसी की? सब तो इधर उधर घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही है कि युवा परेशान है, बेरोजगारी है, परिवर्तन होगा इस बार। जो है युवा, जो है युवा ही परिवर्तन लाएगा, क्योंकि रोजगार की बात, महंगाई की बात युवा जो है समझ चुका है, युवा देश का भविष्य है। इस बार युवा जो है सोच समझ के मतदान करेगा। क्या लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, वहीं आपको बता दें युवाओं में एक अलग ही क्रेज है। जिस भी युवा से बात की जा रही है वो सीधे बता रहा है कि भाजपा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और लगातार युवा कह रहा है कि बाबा के राज में युवा खुश है, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनका नारा 400 पार NDA का कहीं ना कहीं सही नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ NTV स्पष्ट की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।